एंड वेलकम बैक टू आर दिस चैनल रेनबो बीज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो दो दिन से वीडियो बना नहीं पा रहे हम लोग, थोड़ा ईद की वजह से बिजी थे। और आज आधी के मम्मा का बर्थडे, मेरा बर्थडे था आज, तो हम आज घूमने जा रहे हैं सिटी। तो सोचा मैं आज का ये वीडियो ऐसे ही शूट किया, तो मैं सोची इसको अपलोड कर दूँ। तो ये हमारा सिटी का, घर से सिटी का रास्ता है। तो आज बहुत गर्मी थी, मौसम काफ़ी, वेदर भी काफ़ी गर्म था। तो लेकिन स्काई बहुत क्लियर दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम मॉल पहुंच गए। तो पहुंचते ही आदि को चाहिए क्या, चॉकलेट चाहिए, लॉलीपॉप। और बहुत दिनों से हम घूमे नहीं थे, तो बहुत खुश था वहाँ पे जाके मॉल में। तो मॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हम उसको मास्क उतार दिया था, मैंने उसको उतार दिया मास्क पहनने में। तो ये उसको गाड़ी, टॉय कार चलाना है, तो ये जब भी जाता है तो ज़िद करता है। हमने उसको ख़रीद के नहीं दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे सी जगह नहीं है चलाने की गाड़ी। तो ये मॉल में जब भी जाता है तो ये कार चलाना उसको चाहिए, मतलब उसको चलाना ही है। तो ये भैया उसके पीछे पीछे रिमोट लेके चल रहे और वो चला रहे हैं। और तो काफ़ी गर्मी था, बहुत काफ़ी क्या, बहुत गर्मी था आज, मौसम एकदम से गर्म। तो ये इसका एक राउंड, दो राउंड हो गया है। और ये राउंड ख़त्म हो गया उसका, अभी उतर रहा है उसको। हम लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर निकल नहीं पाते, उसको घुमा भी नहीं पा रहे इतने दिनों से, कहीं पे भी घर पे बैठा बैठा खाली बोर होता रहता है। तो इसी बर्थडे के मौके पे हम लोग निकले, तो और फिर बोल रहे गोला खाना है, तो हम गोला लेने गए। उसको गोला नहीं देना है क्योंकि उसको खांसी हो जाएगी, हम लोग ही खा रहे। और पूरा कपड़ा गंदा कर देता है गोला खाने में। अरे मैं व्लॉग टाइप बना रही हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है बोलना, बस वॉइस ओवर सोचा कि करके देखती हूँ एक बार। आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा, हम लोग ने ढाबा में खाना खाया, फिर शॉपिंग की थोड़ा सा, और फिर वापस आ गए। ये हमारा घर तक आने का रास्ता है, सिटी से घर का रास्ता। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, दोनों तरफ, दोनों साइड ग्रीनरी पूरा, और स्काई पूरा दिखता है। तो हमारा घर जहाँ पे, ये पूरा पहाड़ टाइप, पूरा ऊंचा है, पूरा यहाँ से सिटी से कुछ ऊंचा जगह पे है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। Thank you for watching.